हो गया। हाँ चलिए, हम लोग उत्तरी अमेरिका को पढ़ रहे हैं। क्या है, उत्तरी हो चुका था, दक्षिणी अमेरिका को पढ़ेंगे। उत्तरी अमेरिका हम लोगों ने पढ़ लिया था, ठीक है, उत्तरी अमेरिका को देख लिया था। अब हम लोग मध्य अमेरिका, इसी में हो गया था। उत्तरी अमेरिका का ही जो नीचे सकरा भाग है दक्षिण में, वो कौन कहलाता, मध्य अमेरिका, ठीक है। मध्य अमेरिका भी हो गया था, ठीक। और जो है लैटिन अमेरिका की भी बात हमने की थी, लेकिन अभी आधा लैटिन अमेरिका बाकी है, आधे से भी ज़्यादा। क्यों, लैटिन अमेरिका में भैया कौन कौन देश आते हैं बताइए। एक मध्य अमेरिका आता है, इससे ऊपर एक मैक्सिको पड़ता है, वो भी आता है मैक्सिको, ठीक है। और कौन आएगा, दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका ये जो हैं, ये सब किस में आते हैं, लैटिन अमेरिका में। लैटिन अमेरिका क्यों भैया कहते हैं, जो एक भाषा का समूह है लैटिन भाषा, ठीक। इन जो दक्षिण अमेरिका जो कंट्रीज़ है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के, तो उनमें भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे लैटिन अमेरिकी भाषा कौन होती हैं, जैसे लैटिन भाषा में कौन आता है, जैसे फ्रांस है, स्पेनिश है, जर्मन है, ये सब भाषाएं आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। कहाँ पे, दक्षिण अमेरिका में, तभी इसको लैटिन अमेरिका कहते हैं। और मध्य अमेरिका में भी यही सिस्टम देखने को मिलता है। यहाँ पर यह नहीं है कि इंग्लिश ही केवल बोली जाती है, समझ रहे हैं, तभी इनको लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ कहते हैं, ठीक। मैक्सिको भी, दक्षिण अमेरिका भी, मध्य अमेरिका। अब हम लोग आ रहे हैं किस पे, दक्षिण अमेरिका। डाल दीजिए अपना टॉपिक दक्षिण अमेरिका। इसमें क्या खास चीज़ है सबको देखना है हम लोगों को। पहले तो लोकेशन देखिए दक्षिण अमेरिका की, ये ऐसे ना बना है समझने भर के लिए, ठीक। ये दक्षिण अमेरिका तो हम देखेंगे, यहाँ पर तो क्या था, यहाँ पर जो है ये कोलंबिया था मेन। क्या था भैया, कोलंबिया, कोलंबिया था। और कोलंबिया से ही ये जो ऐसे क्या है, देश लगते थे, कौन वाले देश, ये सब कैसे देश थे, हाँ मध्य अमेरिकी देश, ठीक है। जैसे ग्वाटेमाला, होंडुरास, बेलीज, अल सल्वाडोर, निकारागुआ, कोस्टोरिका और पनामा सिटी। सबसे लास्ट कौन लग रहा है, पनामा। पनामा किससे लगता है, कोलंबिया से। अब भैया कुछ देश देखेंगे, जैसे कोलंबिया के बाद यहाँ पर कौन देश है, वेनेजुएला। कौन है भैया, वेनेजुएला, ये कौन है, वेनेजुएला, ठीक। एक अपने आप ऐसे लिखते रफली चलेंगे वेनेजुएला, कि आप जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे उतना बेस्ट है। वेनेजुएला के बाद अपने आप लिखते चलिए, ठीक। एक बार लिखेंगे तो दिमाग में भरा रहेगा। फिर क्या भैया, ये यहाँ पर कौन है, गुयाना, गुयाना, गुयाना है। फिर कौन है, सूरीनाम है, कौन है, सूरीनाम। फिर कौन है, फ्रेंच गुयाना। देखिए यहाँ पर ये कैसे, ये देखिए, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनाम और फ्रेंच गुयाना। ये कौन है, यहाँ पर कौन है, फ्रेंच गुयाना, फ्रेंच गुयाना, गुयाना, ठीक। अब देख रहे हैं इसके बाद हम लोग, ये समझिए ऐसे क्या है, सब ब्राज़ील है। ये क्या है, सब ब्राज़ील है। ब्राज़ील में यहाँ पे क्या, ये ब्राज़ीलिया है, ब्राज़ील। ये कहाँ पे, ये क्या है, उरुग्वे, 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 ठीक। अब यहाँ पर ही तुमको क्या मिलेगा, ये बोलीविया एक मिलेगा देश। क्या मिलेगा, कौन मिलेगा, बोलीविया, बोलीविया, ठीक। यहीं पर तुमको क्या मिल जाता है, एक देश, ये ऐसे तुमको ब्राज़ील हो गया, सभी ब्राज़ील। ये कौन सा देश हो गया भैया बताइए, इक्वेडोर, इक्वेडोर, ठीक। यहीं पर तुमको क्या ऐसे मिल जाएगा, पेरू, कौन मिल जाएगा, पेरू, ठीक है। अब यहाँ पर भैया एक और देश तुमको अंदर ही, इसकी सीमा क्या है, अंदर, ये कौन सा देश है, पराग्वे, कौन है, पराग्वे। और ये तुमको ऐसे फैला हुआ क्या ये सब है, ये चिली है। क्या भैया ये सब, कौन है, चिली है, चिली, ठीक, चिली हो गया। और तुम्हारा ये जो इधर का देश है, ये कौन है, इसकी थोड़ी सी सीमा किससे लग रही है, ये जैसे पराग्वे, ये देखिए ऐसे था, ये चिली है, यहाँ से चिली की सीमा थोड़ी बहुत किससे लगती है, किससे लग रही है, अर्जेंटीना है। यहाँ पर क्या, ये अर्जेंटीना, अर्जेंटीना, ठीक। अब भैया इसमें हमें क्या देखना है, कि इसमें आपको दो देश ऐसे हैं, एक बोलीविया है और दूसरा यहाँ पर कौन है, पराग्वे, कौन है, पराग्वे। दो ऐसे देश हैं, बीचों बीच में हैं। एक आपको व्यू हो गया, वैसे तो नक्शा तो सभी लोग देखेंगे भी, एक व्यू हो गया। देखिए व्यू में क्या हो गया, कि हमने क्या देखा, कि दो देश, बोलीविया, ठीक है, और कौन दूसरा, पराग्वे, पराग्वे, ठीक है,
बोलीविया की राजधानी क्या भैया बताइए? देखिए क्या है बोलीविया? लापाज। देखिए भैया क्या, कहाँ पे लापाज है? यहाँ पर लापाज है लिखा होगा, ये लापाज, ठीक, लापाज हो गई। और परागवे की राजधानी क्या भैया बताइए? अनसुनसियन, ठीक है, परागवे और इसकी लापाज है राजधानी, लापाज और अनसुनसियन ये राजधानियाँ हैं, ठीक है, कैपिटल। ठीक, अब आपसे कभी कभी देखिए दो कैसे देश हैं ये, इनकी सीमाएं क्या हैं? समुद्र से नहीं लग रही हैं। पूछा आता है दक्षिण अमेरिका के कौन से दो देश हैं जो भू आवृद्ध हैं? क्या हैं? भू अवरुद्ध मतलब क्या है, जिनकी चारों ओर की सीमाएं जमीन से लगती हैं। अब बाकी बचे कितने, कुल देश कक्षा कितने हैं इसमें? कुल देश दक्षिण अमेरिका में कुल देश कितने हैं? 13 देश हैं। कितने भैया? 13 देश। इसमें से दो देशों की सीमाएं क्या हैं? जमीन से लग रही हैं, मतलब चारों तरफ पानी की सीमाएं नहीं हैं। तो तटीय देशों की संख्या कितनी हुई? तटीय देशों की संख्या क्या हुई? 11। ठीक है, ये पूछा आता है इसमें कभी कभी, क्वेश्चन रहता है कि कौन से दो देश हैं भू आवृद्ध हैं, ठीक है, तो कौन है दो? ये और ये, तटीय देशों की संख्या 11, भू अवरुद्ध, हाँ भू अवरुद्ध, मतलब भू अवरुद्ध का मतलब क्या होता है कि चारों ओर जो क्या है पानी की कहीं सीमाएं नहीं, कोई पोल टोल्ट नहीं मिलेगा। कौन से हैं? बोलीविया, देखिए यहाँ पर आपको बोलीविया भी अंदर है और ये क्या है परागवे भी अंदर है। और क्वेश्चन रहता है कि ब्राज़ील के भैया जो है, एक चीज़ देखिए, जो ब्राज़ील से सभी देशों की सीमाएं लगती हैं मात्र दो को छोड़ के, कौन से दो देश? देखिए एक, देखिए चिली इधर पड़ रहा है, चिली नहीं लगेगी, और दूसरी कौन नहीं लगती है बताइए? देखिए नहीं, अब देखिए, हाँ एक तो लग गई तुम्हारी चिली, ये चिली की नहीं लगेगी, दूसरी किसकी नहीं लगती है? इक्वाडोर की। ये भी ब्राज़ील से किसकी सीमाएं नहीं लगती हैं? चिली व कौन, व इक्वाडोर, इक्वाडोर की सीमा नहीं लगती है, सीमा नहीं लगती। और कितने देशों को लग रही सीमा इसका मतलब? 11 देशों की। कितने की लगेगी भैया? 11 की, देखिए 13 है तो दो की नहीं लग रही, कितने की? 11 देशों की। देखिए कितना अजीब सा सिस्टम बना जाके 11 देशों की सीमा, ठीक है, इसको समझ पाए कितना, मतलब ऐसा आता ब्राज़ील के लगने वाले देशों की सीमाएँ कितनी हैं? तो लगभग सोचिए पूरा महाद्वीप दक्षिण अमेरिका का सब लग रहा है ब्राज़ील से, कितने मतलब, अब कितनी हो रही? दो की नहीं लग रही, 10 की, कैसे 13 देश है ना, हाँ एक ब्राज़ील भैया, एक सेकंड, 10 की नहीं लगेगी, बात सही इनकी है, 10 देशों की नहीं लगेंगी, कॉमन सी बात है, एक तो ब्राज़ील स्वयं ही हो गया ना, बहुत सही बात है इनकी, क्या है भैया, एक तो ब्राज़ील स्वयं हो गया तो किसकी नहीं लग रही? वेरी गुड, 10 की नहीं लग रही। अब देखिएगा, अब और यदि मान लीजिए किन की नहीं लगती हैं तो कितनी? दो। ठीक, अब हम लोगों का क्या सिस्टम, देखिए इक्वाडोर का, यहाँ देखिए हमारा नक्शा तो एक समझने के लिए बनाया गया, यहाँ पर इक्वाडोर को मैप में देखेंगे, इक्वाडोर से पहले कौन आता है? पेरू। जैसे इक्वाडोर है, ये इक्वाडोर है, इससे पहले ये क्या जाता है? ऐसे पेरू आएगा, पेरू, ये ऐसे पेरू निकलेगा, समझिए ये है, जैसे मान लीजिए ये पेरू है, ये जो है ये पेरू हो जाएगा, ठीक है, क्या ठीक, ये इससे पहले क्या गया? इक्वाडोर, ये इक्वाडोर है, सब देश लगेंगे, कोलंबिया लग रहा है, ये लग रहे हैं, फिर यहाँ पे उरुग्वे लगता है, अर्जेंटीना भी लगता है, ठीक है, और कौन लग रहा है? पराग्वे भी लग रहा है, बोलीविया भी लग रहा है, और कौन नहीं लगेगा? चिली, ठीक है, दो नहीं लगेंगे, चिली नहीं लगेगा आपका, ये वाला चिली, ठीक, और कौन नहीं लगता है? इक्वाडोर नहीं लग रहा है, पेरू लगेगा, पेरू लगेगा, पेरू जो है, पेरू ये लग नहीं रहा, पेरू ऐसे नहीं है, ये देखिए पेरू ये आया नहीं, देखिए सीमा तो इसी की लग रही है ना, देखिए पेरू यहाँ पे है, देखिए कैसे पेरू आया, देखिए पेरू आया, देखिए कैसे आया, ब्राज़ील से पहले आया पेरू, वैसे पेरू आ रहा है, यहाँ पे तटीय सीमा लग रही है, ठीक, अब चल रहे हैं, ठीक है, कौन से, अब कर्क रेखा, इस पे नहीं मतलब ही नहीं कर्क रेखा से भैया, किस से? विषुवत रेखा और मकर रेखा, ठीक है, विषुवत रेखा ये भी पूछा आता है, विषुवत रेखा किन किन देशों से होके निकलती है? विषुवत रेखा जानते ही हैं, पृथ्वी को जो दो बराबर हिस्सों में बांटती है, अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश, वही कौन होती है? विषुवत रेखा। तो 0 डिग्री अक्षांश विषुवत रेखा किन किन देशों से होके गुजरती है? एक इक्वाडोर से गुजरेगी, ठीक है, और एक किससे? कोलंबिया भी थोड़ा पड़ेगा, ठीक है, देखिए यहाँ से जाएगी, देखिएगा
इसमें भी दिखा होगा, ये जीरो डिग्री है, किससे जा रही है, इक्वेडोर, थोड़ा कोलंबिया, फिर ब्राज़ील। तो जैसे इक्वेडोर, जैसे मान लीजिए ऐसे तरीके से बना है इक्वेडोर, इसको ऊपर थोड़ा चढ़ा, जैसे मान लीजिए इक्वेडोर, फिर कौन, कोलंबिया, फिर कौन है, ब्राज़ील, तीन से जाएगी, किससे जाती है, विषुवत रेखा, इक्वेडोर, ठीक है, और कौन, कोलंबिया, कोलंबिया, और कौन है, ब्राज़ील, ठीक, तीन से होके जाएगी। अब कौन से, अब कौन सी मकर रेखा पूछा था, किस ऐसे दे देगा चार ऑप्शन कि विषुवत रेखा, देखिए जब हम पूरा वर्ल्ड का एक साथ पढ़ाएंगे विषुवत रेखा किन किन से होकर गुजर रही है, तुम्हारे तीन खत्म हो गए यहीं पे, ऐसे एक साथ याद करोगे, ऐसे तुम्हारे तीन स्टेट इधर के कंट्रीज खत्म हो गए, कौन कौन, इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, ठीक है। देखिए ब्राज़ील तो दिमाग में ही रहेगा ही, तुम्हें दो याद रखने, इक्वेडोर और कोलंबिया, ठीक। अब तुम्हारा कौन है, मकर रेखा, मकर रेखा में कौन कौन रहता है, चिली रहता है, चिली आपके दिमाग में रहेगा, चिली के बाद कौन आ जाएगा, चिली रहेगा ही रहेगा, फिर क्या रहेगा, अर्जेंटीना भी रहेगा, पराग्वे भी रहेगा, और कौन रहेगा, ब्राज़ील, ठीक है, पराग्वे भी रहेगा, पराग्वे, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना और ब्राज़ील, ब्राज़ील दोनों में है, ठीक है, ब्राज़ील इतना बड़ा ही है कि दोनों में है, मेन दक्षिण अमेरिका की समझो मेन यही है, हर्ट है पूरा दक्षिण अमेरिका का, मेन यही है, ठीक। तो आपके ये कंट्रीज हो गए, देखिए चिली यहाँ पे देखा जाए जो ऐसे निकलती है क्या, चिली पड़ेगा, चिली पड़ेगा, पराग्वे भी रहेगा, पराग्वे भी मिलेगा आपको, और कौन मिलेगा, अर्जेंटीना भी मिलेगा, ठीक, और कौन मिलेगा, ये ब्राज़ील तो पूरा मिलेगा ही मिलेगा, ठीक। तो आपको चार कंट्रीज़ मिलेंगे, इसमें तीन थे, इसमें चार हैं। यहाँ पे वर्ल्ड में देखते हैं फिर से, देखिए भैया ये कौन सी जा रही है, ये 23.5 अक्षांश जा, मकर रेखा जा रही है, ये जा रही है चिली जा रही है, फिर कौन मिल रहा है, अर्जेंटीना पहले मिल रहा है, फिर उसके बाद पराग्वे, पराग्वे के बाद, ठीक है, कौन सी, ये कौन सा, ब्राज़ील निकल गया, ठीक, ये अर्जेंटीना पहले फिर पराग्वे, अर्जेंटीना पहले फिर पराग्वे, ठीक, चार हो गए। अब हम लोग किसकी बात करें, धीरे धीरे समझते चलेगा, ये हमने केवल लोकेशन की बात की, अभी एक और लोकेशन पे देखेंगे। देखिए यहाँ पे एक मैगलन जल संधि है, कौन सी, इसको भी देखते हैं, मैगलन जल संधि, कौन, मैगलन, जितना बता रहे हैं अभी देखिए उतना, ठीक है, मैग स्टेनलन नहीं है, मैगलन जल संधि है, ठीक है, स्टेनलन कोई जनसंधि ही नहीं है, ठीक है, मैगलन जल संधि है। मैगलन जल संधि क्या करती है, पूछा था ये कौन सा द्वीप है, टियरा डेल फ्योगो, टियरा डेल फ्योगो, कौन सा द्वीप है ये, टियरा डेल फ्योगो, देखिए ये देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें टियरा लिखा है, टियरा डेल फ्योगो, देखिए देखिए भैया एक सेकेंड, ये मैगलन जल संधि है, काट रही है, किसको अलग करती है, टियरा डेल फ्योगो को, पूछा आता है मैगलन जल संधि एक द्वीप है अर्जेंटीना का ही, ठीक है, वो किसको अलग करती है, मैगलन जल संधि, और किन किन को जोड़ रही है, किन किन महासागरों को, किन दो वाटर बॉडीज़ को जोड़ती है, हाँ वेरी गुड, ये भैया इधर सब कौन सा सागर है, महासागर, अटलांटिक ओशियन है, इधर सब कौन सा है, तो पूछा था मैगलन जल संधि किन दो वाटर बॉडीज़ को जोड़ती है, हाँ तो ये मैगलन जल संधि हो गया, किसको, अटलांटिक, अटलांटिक जो है महासागर, और ये कौन है, प्रशांत, प्रशांत, ठीक, और कौन है, यहाँ पर कौन है, अर्जेंटीना है, टीना, यहाँ पर कौन है, टेरा डेल फ्यूगो, वो नक्शे बदलते रहते हैं तो नाम भी थोड़ा बहुत बदलता रहता है, लैटिन नाम में वो लिखा जाता है, इसका भी देखोगे जो अभी पढ़ाएंगे, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात क्या है, किस नदी पर है, कोरोनी नदी पर है, लेकिन वहाँ पे नाम कुछ और बोलेंगे उसको, हम लोग लिखेंगे कोरोनी नदी, वहाँ पे लैटिन भाषा में चुरूनी, पता नहीं क्या नाम बोल दें उसको, ठीक, क्योंकि उनका प्रोनाउंसेशन अलग है, हम लोग नहीं उतना पकड़ पाएंगे। अब देखिए तो उसी हिसाब से बुक छापने वाले हो जाते हैं, ठीक। अब देखिएगा तुमको थोड़ी सी लोकेशन पता चल गई, एक तुम ये जान गए तटीय सीमा क्या है, मकर रेखा कहाँ से, कर्क रेखा क्या है, जल संधि, इसकी में एक ही जल संधि मिलती है, अमेरिका में आपको तीन से चार जल संधियाँ मिल रही थी, ठीक। अब हम लोग क्या है, कुछ चीज़ें आप देखेंगे और,
अब हम लोग फिर देखें इसको बनाएं। ठीक, अब हम लोग देखें जो इसको यहाँ पर, तो ये तो भैया कौन सा इधर वाला क्षेत्र है, कोलंबिया वाला हो गया। ठीक, फिर ये वाला सब जो है कोलंबिया सहित, ये क्या था, वेनेजुएला। फिर ये क्या है, गुयाना है। ये कौन है, ये फ्रेंच गुयाना। ठीक, ये जो इतना क्षेत्र है ये गुयाना उच्च भूमि में आ जाता है। किस में आता है, ये गुयाना उच्च भूमि, गुयाना उच्च भूमि, उच्च भूमि। ठीक, और ये वाला जो हिस्सा है ब्राज़ीलियन उच्च भूमि, किस में आता है, ब्राज़ील उच्च भूमि, उच्च भूमि। ठीक, ध्यान सुनिएगा, चलते हैं हम लोग फिर थोड़ा सा और बढ़ते हैं। यहाँ पर कौन सा देश है, इक्वेडोर। कौन है, इक्वेडोर। इक्वेडोर में हमको दो चीज़ें इंपॉर्टेंट देखने को मिलेंगी, कौन कौन सी, एक कोटोपैक्सी। अभी सारी विशेषताएँ बाद में होंगी, पहले हम लोग लिखें पहले क्या क्या है। ठीक है, क्या क्या पढ़ना है। कोटोपैक्सी देखने को मिलेगा, ये पूछा जाता है कई बार। एक चिम्बा राजो भी पूछा जाता है, क्या चिम्बा राजो, चिम्बा राजो, चिम्बा राजो। ये ज्वालामुखी है, ये विश्व की सबसे, अभी लिखाएंगे हम। ठीक, चलिए ये अभी पहले थोड़ा सा व्यू ले लें, फिर सबके बारे में विशेषताएं लिखा। अभी लोकेशन देख लीजिए, अभी लोकेशन फिर विशेषताएं, कैसे क्या चीज़ें हैं जो हम लिखाते आ रहे हैं। एक यहीं पे जब चलोगे इक्वेडोर, इक्वेडोर के बाद भैया कौन मिलता है आपको, पेरू। कौन मिल रहा है, पेरू के इधर ही कौन था, बोलीविया। कौन था, पेरू है ये, और यहाँ पे क्या है, बोलीविया। तो पेरू और बोलीविया के पास कौन सी झील मिलती है दोनों के बॉर्डर में, टिटिकाका। कौन सी, टिटिकाका झील। अभी इनकी बाद में हम लोग चर्चाएं करेंगे सबकी। ठीक, पहले हम लोग टॉपिक को देखते चल रहे हैं। फिर क्या मिल रहा है आपको, ये यहाँ पे समझो चिली शुरू हो गया। क्या शुरू हो गया, चिली। और चिली और अटाकामा, ये जो चिली और कौन, पेरू, पेरू और चिली, ये कौन सा एक मरुस्थल है, अटाकामा मरुस्थल। कौन सा, अटाकामा मरुस्थल। अभी सबकी विशेषताएँ देखेंगे बाद में, पहले हम लोग लोकेशन देख रहे हैं कहाँ पे क्या है। तो अटाकामा मरुस्थल आपने देखा कहाँ पर पड़ रहा है, थोड़ा हिस्सा पेरू में और किस में ज़्यादा हिस्सा, चिली में। अटाकामा मरुस्थल यहीं पर, अटाकामा मरुस्थल के ही थोड़ा सा इधर साइड में क्या मिलता है आपको, कौन सा, एकांकागुआ चोटी। कौन सी, एकांकागुआ भी कहीं कहीं लिखा होता है। ठीक है, अकांकागुआ या एकांकागुआ, ठीक, अकांका भी मिल जाता है, अकांकागुआ। हाँ, ये चोटी है, पर्वत चोटी। अभी सब बताएंगे पर्वत चोटी सबकी बात, भाई लोकेशन देख लीजिए केवल, अभी लोकेशन पे फोकस होना, एक ही खिचड़ी हो जाएगी। पहले लोकेशन देख लो कि लोकेशन आपको रटनी ना पड़े, लोकेशन आपके दिमाग में कुछ आ जाए कहाँ पे क्या। अब यहीं पे जो है इधर साइड में अर्जेंटीना लग रहा था, कौन सा, अर्जेंटीना लग रहा था। इधर साइड में क्या लग रहा है, अर्जेंटीना है, इधर साइड में चिली है। तो अर्जेंटीना और चिली के क्षेत्र में एक ज्वालामुखी है, उसका नाम क्या है, ओजस डेल सलाडो, ओजस, हाँ, ओजस डेल सलाडो। ठीक, ये एक ज्वालामुखी, अभी सबकी विशेषताएं बताएंगे, कौन सी क्या है, कितनी ऊंची है, सक्रिय है, निष्क्रिय है क्या। ठीक, अब हम लोगों ने इधर की लोकेशन थोड़ा सा देखा, इधर क्षेत्र में पेंटागोनिया का पठार पड़ता है। इधर वाले क्षेत्र में कौन पठार पड़ रहा है, पेंटागोनिया का पठार, मतलब मेन अर्जेंटीना का कौन सा क्षेत्र, पूर्वी। ठीक है, कौन सा पठार, पेंटागोनिया का पठार, गोनिया का पठार। हाँ, अब हम लोग थोड़ा सा किधर चल रहे हैं, इधर या इधर, अभी इधर देखिए, कौन सी एक पर्वत श्रेणी है सबसे लंबी मानी जाती है विश्व की, कौन सी भैया, एंडीज। ये इधर साइड में फैली है, कोलंबिया और ये तुम्हारा, ये कौन सा है जो आपका इक्वेडोर है, और ये पेरू है, चिली है, सब में फैलती हुई बहुत लंबी। ठीक, यहाँ तक लगभग चिली तक रहती है। कौन इसका नाम है भैया, एंडीज पर्वत श्रेणी। ये कौन है, ये एंडीज पर्वत श्रेणी, एंडीज पर्वत श्रेणी है। फिर आपको यहाँ पर एक मिलता है कौन सा पठार, बीचों बीच में, मतलब आपको बीचों बीच से थोड़ा सा नीचे आ रहे हैं, मतलब ये बीच की भूमि से थोड़ा सा नीचे क्षेत्र में आएंगे, इस क्षेत्र में माटो ग्रासो का पठार पड़ता है। कौन सा, माटो ग्रासो का पठार मिल रहा है। आप भी ऐसे ही रफली करेंगे, क्योंकि मैप नहीं, डिजिटल आपको काम एग्जाम में नहीं आएगा, जब तक आप हैंड नहीं करेंगे तब तक काम नहीं आएगा। क्योंकि मान लो रिटर्न में लिखना पड़े, सिविल में आपको, मेंस में लिखना पड़े, तो आपको यही ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा ऐसे, समझ रहे हैं, चिलबिलुआ तरीके से, थोड़ा साफ़ सुथरा होना चाहिए कि लोकेशन पता चल जाए एकदम आपको। डिजिटल वहाँ कंपटीशन नहीं होती है, इतने मिनट में क्वेश्चन लिखना होता है।
ठीक, तो माटो ग्रासो का पठार, मतलब क्लियर हो कि कहाँ पे क्या, ऐसा नहीं ना अमेरिका का नक्शा भारत का बिल्कुल लगने लगे ऐसा नहीं बनाना है, ठीक है। अमेरिका ऑस्ट्रेलिया गोल गोल लगने लगे ऐसा नहीं बनाना है, ठीक। हाँ, तो ये कौन हो गया, माटो ग्रासो का पठार। एक बीच में समझिए, इधर पेंटोगोनिया है, इधर एंडीज है, उसके जो बीच का एक क्षेत्र पड़ता है खासकर नीचे की ओर, वो कौन सा होता है, ग्रान चाको। कौन, ग्रान चाको एक घास का बढ़िया मैदान है, ग्रान चाको क्षेत्र पड़ता है, ठीक। हम लोगों ने इस तरीके से कुछ लोकेशंस देखी। पहली बात, ज़्यादातर स्टेटिक में क्या पूछ लेता है, ग्रान चाको का मैदान कहाँ पर है, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, फ्रांस, यूरोप, ऐसे कर देगा। तो आपको पता है ग्रान चाको कहाँ पर है। माटो ग्रासो का पठार ऐसे ही पूछ लेगा, कहाँ पर, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, ठीक, देश के नाम दे देगा। तो आपको ऐसे चीज़ें, चिम्बाराजो कहाँ पर है, किस देश का ऊंचा पर्वत है, ठीक। अब देखिए ये लोकेशन हो गई, अब हम लोग लोकेशन को देख रहे हैं कैसे क्या पढ़ना है, फिर क्या देखेंगे हम लोग। चलिए पहले इसको यहीं पे विशेषताएँ देख लेते हैं। कोटोपैक्सी क्या भैया, विश्व का सबसे ऊंचा सक्री ज्वालामुखी है, क्या भैया ये लिखिए, पूछा आता है, विश्व का सबसे ऊंचा सक्री ज्वालामुखी, विश्व का सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी। हम हालांकि ज्वालामुखी में अलग से भी बहुत सारे ज्वालामुखी बताएंगे, लेकिन यहाँ पे जो यही निपटा दो जो मतलब इम्पोर्टेंट है अमेरिका में। चिम्बाराजो भैया ये क्या, इसकी विशेषता है, ये इक्वेडोर का सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, मतलब इक्वेडोर की सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है, चिम्बाराजो, इक्वेडोर का सबसे ऊंची ऊंची इक्वेडोर की सबसे ऊंची चोटी, ठीक। ये हो गया टिटिकाका, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील, क्या है टिटिकाका भैया लिखिए, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील, नौकागम्य झील, ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य, नौकागम्य झील। फिर क्या है, आटाकामा, विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल, इसकी विशेषता क्या भैया, आटाकामा, आटाकामा के लिए क्या लिखेंगे, दिख रहा है इधर आ नहीं आ रहा है ना, चलिए इधर लिख रहे हैं आटाकामा की विशेषता, विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल, विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल आता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, ये पूछा गया है, वहाँ सहारा लोग मार के चले जाते, बड़ा खुशी महसूस करते हैं, ठीक है, सबसे शुष्क मरुस्थल यही है, मरुस्थल, ठीक। अब क्या हो गया, तुम्हारा एकांका गुआ, ये क्यों इंपॉर्टेंट लिखा, ये हाँ उत्तर अमेरिका की, दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण, पूरे दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी, पूछा आता है, दक्षिण अमेरिका की, अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी, ठीक। अब ओजस डेल सलाडो, ओजस डेल सलाडो क्या है, ओजस डेल सलाडो की विशेषता, विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित निष्क्रिय ज्वालामुखी, ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा निष्क्रिय ज्वालामुखी, निष्क्रिय ज्वालामुखी, ठीक है। अब हम लोग क्या बच रहा है, ग्रान चाको की विशेषता यही है कि बढ़िया घास वास का मैदान, इसी कोई विशेषता नहीं है। ब्राजीलियन उच्च भूमि की क्या विशेषता भैया, इसमें क्या रहता है, ये खासकर उपजाऊ मैदान भी रहता है कि, और ये क्या है, इसके किनारे क्या है, सघन वन भी है, क्यों, क्योंकि ब्राजील से क्या निकलती है, विषुवत रेखा भी निकल रही है, और कौन, मकर रेखा भी, अभी इसकी चर्चा फिर करेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें कौन सा बड़ा घास का मैदान पाया जा रहा है, हाँ कैंपास का मैदान पाया जाता है, और इस पूरे रेंज में लगभग ब्राज़ील, इक्वेडोर, थोड़ा बहुत कोलंबिया, इस सेल्वास वन पाया जाता है, लेकिन अधिकतर सेल्वास वन क्या है, हाँ जो पर्यावरण का देखा जाए हृदय जो रहता है पूरे दुनिया का, वनों का हृदय, वो किसे कहा जाता है, ब्राज़ील को ही कहा जाता है, क्योंकि इतना ज़्यादा सघन वन कहीं दुनिया में नहीं मिलता है इस ब्राज़ील क्षेत्र के अलावा, क्यों, क्योंकि भैया इसमें कौन सी जा रही है, विषुवत रेखा भी जा रही है, खूब बारिश कर रही है, ये विषुवत रेखा और कर्क रेखा के समझिए लोकेशन में बीचों बीच में पड़ रहा है, तो कॉमन सी बात है दोनों बारिश का क्या है, ठीक। तो यहाँ पर सघन वर्षा वन पाए जाते हैं, अभी उसकी भी चर्चा होगी। अब देखिए
इतनी चीज़ें हमने देख ली, लेकिन अभी किसकी बाकी चर्चा, मेन एंडीज पर्वत श्रेणी, ठीक है। ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। और क्या है, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला, विश्व की जब सबसे दूसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला, पहली क्यों नहीं कहा, पहली कौन है विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला, हिमालय, ठीक है। साथ में क्या भैया, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची क्या है, पर्वत श्रृंखला है, ठीक। अब जो है और क्या है, ये कहां से कहां फैली है, मेन ये जो है प्रशांत महासागर के पश्चिमी तट पे फैली है, कहां फैली है, प्रशांत महासागर के पश्चिमी तट, ये जो है पश्चिम में प्रशांत महासागर के तट पे फैली है कह सकते हो, दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में, हाँ दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी भाग में, प्रशांत महासागर तट पर है, समझिए प्रशांत, इसका अर्थ इससे लग रहा है प्रशांत महासागर से, प्रशांत महासागर के तट पर है, ठीक। तो ये हो गया, तो तुमने इसकी, और ये कैसी है, नवीन मोड़दार पर्वत श्रेणी है, कैसी, पुरानी नहीं है, अप्लेसियन क्या थी, प्राचीन मोड़दार पर्वत श्रेणी है, ये कैसी है, नवीन, एंडीज भी नवीन है, रॉकीज भी नवीन है, हिमालय भी नवीन है, और तीनों किस श्रेणी में आते हैं, वलित पर्वत श्रेणी में, ठीक है। एंडीज भी वलित में है, ये भी वलित में है, ये भी, हर कोई वलित नहीं देखने को मिलेगा आपको, बहुत से पर्वत श्रेणी ऐसी होंगी जो क्या होंगी, अवशिष्ट होंगी, कोई ब्लॉक पर्वत रेंज होगी, सबकी विशेषताएं होती हैं, ठीक है। तो ये भी कैसी है, नवीन वलित पर्वत श्रेणी है, वलित का मतलब फोल्डेड, ठीक, वलित, हाँ नवीन वलित पर्वत श्रेणी। अब हम लोग चल रहे हैं भैया, ये हम लोगों का फिनिश हुआ, अब हम लोग किस पे चलेंगे, घास के मैदान पे, अभी घास का मैदान बाकी है, हम लोग उतना ही पढ़ रहे हैं जितना पहले सफिशियंट है, क्योंकि हम लोग पहले वही जाने, ठीक, फिर आगे की चर्चाएं करेंगे, और हर एक महाद्वीप को पढ़ना, ऐसा तो नहीं किसी महाद्वीप से क्वेश्चन आ जाएगा, इतना पढ़ लें कि आपको इससे मिल जाए क्वेश्चन, ठीक। अब देखिए भैया, इधर तो जानते ही है कौन सा महासागर है सर, अटलांटिक, इधर कौन सा है सर, प्रशांत, और लगभग नीचे भी प्रशांत मिलेगा, ठीक, जब बहुत नीचे इधर साइड में सब प्रशांत ही है, फिर नीचे आपको बिल्कुल जो है ये क्या है, ये आपको दक्षिण महासागर या अंटार्कटिका मिलेगा, मेन आपकी लोकेशन किससे डिसाइड होती है, प्रशांत महासागर, इधर अटलांटिक, और इधर साइड में ऊपर साइड में कौन मिलता है, कैरेबियन से, ठीक। अब हम लोग चलते हैं किस पे, इसके ग्रास के मैदान, मतलब जो घास के मैदान है, ठीक है। अच्छा, जो गुयाना उच्च भूमि है, कहा जाए गुयाना उच्च भूमि किन किन को टच करती है, मानते हैं किसे, एक सेकंड, गुयाना उच्च भूमि में कौन कौन देश आते हैं, कोलंबिया है, गुयाना है, ठीक है, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना, और कौन, हाँ वेनेजुएला। तो राजधानी भी कैसे भैया, कोलंबिया की राजधानी क्या है, ये भी लिखिए, कोलंबिया के बोलिए कौन राजधानी है, बोगोटा। फिर इधर की कौन सी राजधानी है, कौन सा पड़ रहा है कोलंबिया के बाद, गुयाना, गुयाना की वेनेजुएला पड़ रहा है, कौन सा, वेनेजुएला की राजधानी बताइए, कराकस। ये थोड़ा बहुत राजधानियाँ भी टॉपिक आजकल क्या लिख रहा है, राजधानियाँ, मुद्रा, ये सब लिखता है, तो कहीं कहीं ऐसे ही याद कर दो, एक साथ थोड़ी रट्टा मारो, वहाँ पे जो आए उसको फिनिश कर दो। अब एक सेकेंड, वेनेजुएला बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली बात तो यह सबसे ज़्यादा तेल की मात्रा है, जो प्रतिशत के हिसाब से देखें सब सर्वाधिक जो है तेल निकलता है कहाँ से, वेनेजुएला से, मतलब प्रतिशत के हिसाब से खनिज तेल है, हाँ कच्चा तेल सबसे ज़्यादा कहाँ से, वेनेजुएला से निकलता है, ठीक है, जितना क्षेत्रफल में वेनेजुएला है उतने में सबसे ज़्यादा मात्रा। और दूसरी बात, विश्व का सबसे ऊंचा क्या है, जलप्रपात कहाँ पर है, वेनेजुएला में, ठीक है, यहाँ पे लिखिए, ये पूछा था क्वेश्चन, विश्व का सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात क्या नाम है भैया इसका,
क्या उसका नाम है? एंजिल। ठीक है, क्या नाम है? एंजिल, एंजिल जलप्रपात। कितनी ऊंचाई है इसकी? गहराई भी जाता है पानी गिरने का, लेकिन ऊंचाई भी देखी जाती है। ऊंचाई कितनी है? 979 मीटर। ठीक है, और ये किस नदी पर है पूछा आता है, नदी का नाम जरूर पूछा आता है। ठीक है, तो कौन, एक कोरोना चला था तो कोरोनी नदी पे है। ठीक है, ई की मात्रा लगा देना। ठीक है, किस नदी पर है? कोरोनी नदी पर। सोचिए ना हो गए कहीं कोरोना वरोना ना हो जाए, कोई जो है पहली बार नहा रहा हो ऐसे थोड़ा सा भड़का दो, कोरोना होता है तभी इसका नाम कोरोनी नदी रख दिया गया है। ठीक है, हाँ कोरोनी नदी, कोरोनी नदी पर है। ठीक है, कभी कभी आता है इसकी जगह ये नाम नहीं लिखा होता है, कोई और नाम लिख देता है। कौन सा लिख देता है नाम? ओरोनिको नदी, ओरोनिको नदी। कौन सी नदी? अभी बता रहे हैं, ओरोनिको नदी, ओरोनिको नदी। ये क्या नाम है? ये जो कोरोनी नदी है वो ओरोनिको की सहायक है। किसकी है कोरोनी नदी? क्या है कोरोनी नदी? किसकी सहायक है? ओरोनिको की सहायक नदी, सहायक नदी भी है। कौन है? कोरोनी नदी है। और कोरोनी नदी पर क्या है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात। किस देश में है? वेनेजुएला में। राजधानी काराकस। लोकेशन देख ही लिए हैं। ठीक, अब क्या है इसके बाद? कौन सा देश है आपका? गुयाना। गुयाना में कुछ खास नहीं, इसकी राजधानी पूछ सकते हैं कि मिलान में आ सकता है, तो राजधानी में क्या हो गया? क्या लिखें इसकी राजधानी? जॉर्ज टाउन, याद रखनी चाहिए। ठीक है, राजधानी याद रखो, लिखा तो बहुत कुछ हर जगह है, आपको याद रहना चाहिए हर जगह। ठीक है, सूरीनाम, सूरीनाम, सूरीनाम बताइए। पैरामेरिबो, पैरामेरिबो, कुछ राजधानी याद रखिए, पैरामेरिबो। खासकर अफ्रीका की राजधानी, और ये दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका की उत्तरी अमेरिका में कुछ है ही नहीं, तीन ही राज देसी हैं मेन। और मेन आपको किसकी देखनी चाहिए? उत्तरी अमेरिका में, मध्य अमेरिका की, लैटिन अमेरिका के क्या देश बताए थे? ग्वाटेमाला है, उसकी राजधानी क्या बताई थी? ग्वाटेमाला सिटी। ठीक है, इतना आप लोग घर पे जाया करें, थोड़ा सा काम कर लिया करिए। ठीक, और वो कौन सा बेलीज देश बताया था? कौन सी थी उसकी? बेलमोना क्या थी? माला मोना करके ऐसे नाम है उसका, बेलीज का। ये थोड़ा भी आपको पढ़े होगे तो वहाँ टिक लगा दोगे। ठीक है, और कौन थी? बेलपोना करके। और उसके बाद कौन सी तुम्हारी राजधानियाँ थी? जैसे अल सल्वाडोर, सैन सल्वाडोर। ठीक है, इसकी सबकी राजधानियाँ देखो अपने, पनामा की छोटी छोटी, तो पनामा सिटी हैं। हाँ, निकारागुआ की क्या थी? ठीक है, ये सब याद रख, उसमें भी गुआ लगा है। ठीक है, ठीक, हाँ कौन सी गुआ? मानागुआ। ठीक है, ऐसे कुछ याद, कुछ ही शॉर्टकट याद रखो। और कौन सी तुम्हारी वहाँ पे? देखिए कौन सी है ये, हाँ जो है कोस्टा रिका, सैन जोस। ठीक है, और सबसे कठिन तुमको राजधानी कौन देखने को मिलेगी? कौन सा? होंडुरस है। होंडुरस से नीचे कौन सा? निकारागुआ हो गया। होंडुरस की राजधानी क्या होगी? टेगुसिगल्पा। कुछ राजधानी ऐसे याद रखो। देखिए और तो सरल है, होंडुरस की कठिन है और बेलीज की कठिन है, कुछ कठिन वाली देख लिया करिए। हाँ बताइए, गुयाना, सूरीनाम, इसके बाद कौन सा देश? हाँ, फ्रेंच गुयाना। इसकी राजधानी कैना, केयन, केयन रहती है। जब आप एक पढ़ेंगे एक टॉपिक वर्ल्ड ज्योग्राफी में, राजधानी का भी रहता है चैप्टर, तो स्पेशल नहीं उस समय रट्टा मारो, ऐसे ही याद करते चलो साथ ही साथ जो खास हो। फिर क्या रहता है? कोलंबिया हो गया, और यहाँ पर कौन मिल रहा है? ब्राज़ील किया है, ब्राज़ील, ब्राज़ीलिया। और कौन हो गया? और कौन तुम्हें मिल रहा था? उरुग्वे की, उरुग्वे की, यहीं पे देखो मॉन्टेवीडियो, मॉन्टेवीडियो। और कौन है, कौन तुम्हें मिला? अर्जेंटीना की क्या? हाँ अर्जेंटीना, ब्यूनस आयर्स। हाँ और कौन है इधर? चिली, चिली मिर्च वाला नहीं चिली है ये। ठीक है, सेंटियागो, सेंटियागो, सेंटियागो। ठीक है, फिर कौन पढ़ रहा है तुम्हारा देश? पेरू, पेरू की क्या है? पेरू लीमा, ये याद रहेगी इनको है, लीमा से तुम्हारा नाता है कोई क्या? लीमा। ठीक है, लीना याद रह सकता है कि नहीं? फिर एक गेम आता था उसमें फाइटिंग वाला, क्या वो लड़ाई झगड़े वाला नहीं, उसमें लीना ऐसे करके कई फाइटर के हैं क्या? टेकन थ्री, अब तो चल नहीं रहा, पता नहीं कौन कौन सा ने, हाँ ठीक है लीना। ठीक, अब ये पेरू का हो गया, और कौन बचा? पराग्वे का भैया, अभी अनसुनसुनियन, क्या अनसुनसियन जब भी लिखा है पराग्वे का। ठीक है, हाँ पराग्वे लिख लीजिए।
अनसुन सियन ठीक, असुनसियन भी याद रहेगा, काम चल जाएगा आपका वहाँ शुद्ध हिंदी नहीं लिखा। ठीक है, अब और कौन सा तुम्हारा है? इक्वाडोर की बताइए, क्विटो, इक्वाडोर क्विटो। हाँ चलिए अब आगे हम लोग चल रहे हैं, और कोई देश बचे हैं? सब हो गए लगभग, और कौन? बोलीविया, लापाज, सबसे ऊंची राजधानी है बोलीविया की लापाज में। ठीक है, बोलीविया लापाज। ठीक, अब चलिए ये तो है, हो गया। अब हम लोगों को घास का मैदान देखना था। इसकी राजधानी इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक ये पूछी गई है कई बार, जब देखोगे प्रीवियस ईयर में तब इनको मिलेगी, टेगू सिगल्पा, मेरा मेरी, जो पैरा मेरी वो, ये सब नाम मिलेंगे। और उधर उनकी देखनी तुमको है क्रोशिया वाली, जो कौन सी, एड्रियाटिक सी वाली है। ठीक, लोको हैं क्या क्या तुम लोग खेलते हो यार? देखिए जो, हाँ जो भी चीज़ें खेलो वो इम्पोर्टेंट हो तुम्हारे एग्जाम के दृष्टि से हो, क्रिकेट का ही मत खेलो। ठीक है, देखिए जो बचपन में खूब क्रिकेट खेले हैं उनको कोई घाटा नहीं है, तुम नहीं खेले हो कोई बात नहीं, खेलते हो बढ़िया है। देखिए जो खेल रहे हैं क्रिकेट उनके लिए बेस्ट है, क्यों? कि बचपन में इतना चुस्त दुरुस्त हो गए हैं, वो थोड़ा आराम भी फरमा लेंगे, शरीर पे नहीं भी ध्यान दे रहे हैं, उनका शरीर क्या बन चुका है, एथलीट बॉडी हो गई, और बचपन में खूब वीडियो गेम खेले हैं, और बड़े पे चश्मा लग गया, आप समझो क्या है, मामला ख़त्म है उनका। ठीक है, और फिर भी दाल पी नहीं रहे, मैगी खा रहे हैं, तो कब तक कि समझो है नहीं, एक लोग है उसे कहता अंडा शाकाहारी होते हैं, जो दूध पीते हो वो भी नहीं, वो कहता मांसाहारी, तो दूध भी क्या है मांसाहारी है, ऐसा नहीं भैया। ठीक है, दूध क्या है, हाँ भैया जो है अपनी अपनी च्वाइस है, भारत में सब प्रकार के लिए सब स्वतंत्र हैं, लेकिन एक चीज़ है कि स्टूडेंट लाइफ में जितनी भी ये सब चीज़ें हैं मसालेदार, खासकर उनसे क्या है दूरी बना के रखो, उचित दूरी, क्यों? क्योंकि इससे आपका सिस्टम ख़राब हो सकता है, बीमार हो गए तो पढ़ाई 4-5 दिन लॉस हो गई, लैट्रिन वगैरह आने लगी, या कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और दूसरा भैया एक सेकेंड, और दूसरा क्या है, ज़्यादा जब हाई पावर खाओगे तो एकाग्रता नहीं बनती है। ठीक है, ज़्यादा रोज़ जो खाते हैं जा, तो उनके क्या एकाग्रता कैसे मिलती है, जो है अभी आप किस जीवन में जी रहे हैं, ब्रह्मचर्य में। ठीक है, गृहस्थ में जब आइएगा तब सब चलेगा हाई पावर। ठीक, हाँ ठीक, अब सुनिए भैया किस पे है तो, और फिर तुम लोग हमसे ज़्यादा ज्ञानी हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो मछली का तेल बताने लगे थे उस दिन है तुम यार। ठीक है चलिए, अब सुनिए एक सेकंड, वो क्या नाम है उसका जो है ग्रिल करके, क्या नाम है वो, पड़ा हुआ जेब्रा, पड़ा हुआ सड़ा हुआ गया, उसके पास काटा का, खाने लगा का, इसमें प्रोटीन होती है। ठीक है, अरे मर जाके कहीं यार, वो कोई उसको फॉलो कर लिया, मान लीजिए कोई नॉर्मल इंसान फंसा गया हाथ में, तो मर जाएगा, वायरस उसके हुआ। ठीक है, वो उसकी बराबरी मान लीजिए कोई जंगल वंगल में, क्योंकि वो टेस्टेड रहता है, दिखाता है केवल। ठीक है चलिए भैया, बेयर ग्रिल्स, और वो ट्रेनिंग वेनिंग किए हैं एकदम है, हाँ वो उससे पहले गए थे, मुलाकात थी। अब भैया एक सेकेंड भैया, अब टॉपिक पे आ रहे हैं हम लोग। ठीक है, एडवेंचर उतना करो जितना लाइफ सिक्योर भी रहे। अब ये एक सेकेंड, ये भैया कोलंबिया का क्षेत्र है, ये कौन सा कहलाता है, कोलंबिया वाला गुयाना का कुछ क्षेत्र है, कौन सा, लानोज, कौन सा घास का मैदान है, लानोज। ये खासकर कोलंबिया, वेनेजुएला और गुयाना, कोई एक ही में नहीं फैला, लेकिन अधिकतर भाग कौन किस में फैला है, वेनेजुएला में। ये आता किस में है, ये समझे गुयाना उच्च भूमि जो बताया था उस क्षेत्र में तुमको देखने को मिलेगा, लानोज, कौन सा है, लानोज। ठीक, अभी लिखते चल रहे हैं। फिर ये कौन सा है तुम्हारा, ब्राज़ील, यहाँ पे, लेकिन ब्राज़ील में कौन सा देखने को मिलता है, कैंपोज घास का मैदान। हाँ फिर क्या है तुम्हारा, कैंपोज हो गया, लानोज हो गया, और ये तुम्हारा भैया ये कौन सा है, सब है ये कौन है, तुम्हारे नीचे कौन सा है, ये पंपाज घास का मैदान। ठीक, घास का मैदान है। ठीक, और जो यहाँ पर कौन सी नदी निकल रही है, अमेजन, ऐसी नदी निकलती है यहाँ पर अपना डेल्टा बनाती जाके, जो अमेजन नदी के आसपास का क्षेत्र है, सघन वर्षा वाला वन क्षेत्र है,
तो वो जो क्षेत्र कहलाता है मीन्स सेलवास रहता है। कौन सा क्षेत्र है ये? सेलवास। क्या हुआ? अब हम लोग चल रहे हैं किसी एक घास को मैदान को उठा रहे हैं। कौन सा हम पहले देख रहे हैं? चलिए पंपास घास को पहले देखते हैं। देखिए पंपास घास का मैदान जो है ये क्या है? पहली बात, इस घास के मैदान के पास किसकी खेती बहुत होती है? गेहूँ की। तो ये जो अर्जेंटीना का पंपास घास का मैदान वाला क्षेत्र कौन सा कहलाता है? रोटी की टोकरी कहलाता है। किसके लिए? किसका काम करता है? दक्षिण अमेरिका। ठीक है, ये दक्षिण अमेरिका की रोटी का टोकरी है। हाँ नहीं, ये अर्जेंटीना के घास का मैदान है, खासकर अर्जेंटीना। हाँ, यदि अर्जेंटीना थोड़ा चिली भी ऑप्शन में आ जाएगा तो आप घबरा नहीं। अर्जेंटीना चिली कॉमा में लगा हो जोड़ा वो भी सही माना जाता है। मेन अर्जेंटीना है। ठीक, यहाँ पर क्या भैया, ये कैसा घास का मैदान है? पहली बात तो ये कैसा है? उपोष्ण कटिबंधी। उपोष्ण का मतलब क्या है? शीत वाला। ठीक है, मतलब पूरी तरीके से उष्ण में नहीं है। ये कौन सा है? उपोष्ण, उपोष्ण कटिबंधी, कटिबंधी घास का मैदान। ठीक है, और यहीं पर क्या, इस क्षेत्र में कहे का मतलब क्षेत्र, घास का मैदान मेन अर्जेंटीना में किसकी खेती रहती है? गेहूं की। अच्छा, गेहूं के लिए बताइए बहुत गर्मी जरूरत होती है कहीं? नहीं। ठीक है, तो तभी देखिए खुद सोचिए, ये इतना गर्मी वाला क्षेत्र है क्या ये? नहीं। तो गेहूं की खेती होती है यहाँ बहुत। दक्षिण अमेरिका की रोटी की डलिया कहलाता है, रोटी की डलिया, डलिया। और देखिएगा इसी पंपास घास के मैदान से थोड़ी, मतलब इधर साइड में, किधर? चिली साइड में। इसी पंपास मैदान से ही थोड़ा सा किधर, किस साइड में? पूर्व, समझ रहे हो, पश्चिम में। इसी में तुमको थोड़ा सा क्या देखने को, लैटराइट मृदा मिलेगी देखने को। कौन सी मृदा? लैटराइट मृदा, इधर साइड में, चिली साइड में थोड़ा सा। ठीक है, समझे? क्योंकि देखिए हर चीज़ की लोकेशन थोड़ा सा समझते हुए चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये किधर मेन पंपास का भी थोड़ा क्षेत्र मिलता है। ठीक, तो कह सकते हो लैटराइट मृदा इधर देखने को मिलेगी। लैटराइट मृदा कहाँ पर? चिली, चिली। और ये चिली की तो स्पेशल नहीं कह सकते, ये लैटराइट मृदा आपको बहुत नॉर्मल दिखेगी। मेन चिली ये कहाँ पे देखने को मिलती है लैटराइट मृदा भैया? ये ब्राज़ील साइड में ज़्यादा दिखती है। कहाँ पे? ब्राज़ील। हाँ, ब्राज़ील लैटराइट ज़्यादा मिलेगी, लैटराइट मृदा। एक सेकेंड, टेरा रोसा, इसे क्या कहते हैं वहाँ पे? टेरा रोसा मैदा को कहते हैं वहाँ पे, लैटराइट मैदा को, ब्राज़ील में। इसी लैटराइट मैदा में आपको क्या देखने को मिलता है? किसकी खेती? कॉफ़ी की। हाँ कॉफ़ी, हाँ कॉफ़ी की खेती, कॉफ़ी की खेती। और कॉफ़ी की खेती जो जहाँ सबसे ज़्यादा होती है कहाँ हो रही है? ब्राज़ील में। तो ब्राज़ील कॉफ़ी के उत्पादन में भी फर्स्ट पे है और किस में? निर्यात करने में भी फर्स्ट पे है। ठीक है, हाँ ये किस में? उत्पादन में भी, हाँ हाँ उत्पादन में पहले नंबर पे है और क्या, निर्यात में भी पहले नंबर पर है। ठीक है, समझ रहे हैं? और ये क्या रहता है, कॉफ़ी की जो खेती करते हैं उनके बागानों को क्या कहा जाता है वहाँ? फजेंडा कहा जाता है। क्या है? खेती के जो बागान होते हैं, बागान, उन्हें क्या कहते हैं भैया? फजेंडा, फजेंडा पूछा जाता है। ठीक है, ब्राज़ील में। लैम्बरजैक किससे संबंधित था? उत्तरी अमेरिका से। ठीक है, और लैम्बरजैक, ठीक है, उत्तरी अमेरिका। और ये, हाँ ठीक, थोड़ा ध्यान रखिएगा बागान कॉफ़ी खेती के। यहीं पर जो है कॉफ़ी सिटी किसे कहता है? सबसे ज़्यादा कॉफ़ी किस शहर में होती है, किस जगह पर होती है? साओ पोलो, सुना है ना? साओ पोलो। ये कहाँ का भैया? साओ पोलो ब्राज़ील के थोड़ा सा अंदर है। देखिए जो यहीं पे लिखते हैं, इसको हटा रहे हैं। ठीक, और गेहूं की खेती के लिए ये ज़रूरी है, लेकिन लैटराइट मृदा बहुत नॉर्मल, यहाँ पे ज़्यादा नहीं है लैटराइट, क्योंकि इधर से थोड़ा बहुत वर्षा मिल सकती है, ज़्यादा नहीं है। ठीक, क्यों? इधर मेन आटाकामा मरुस्थल है। क्या है? तो वर्षा का यहाँ पर समझे ना, क्या यहाँ पर ज़्यादातर कौन सी मिट्टी मिल रही है? मरुस्थली मिट्टी, रेतीली टाइप की। ठीक है, और यहाँ पर हम लैटराइट मृदा को बहुत थोड़ा बहुत मानेंगे। सबसे ज़्यादा मृदा कौन सी लैटराइट मिलेगी? ब्राज़ील में। क्यों? मकर और कर्क में ज़्यादा मिलती है, क्योंकि जहाँ वर्षा ज़्यादा हो रही है। हाँ ठीक, इसको बिगाड़ रहे, फिर यहाँ पे ही लिख रहे हैं। यहाँ पर आइए कॉफ़ी में ही, और भैया साओ पोलो को काफ़ी समझो, काफ़ी राजधानी ही है साओ पोलो। साओ पोलो कॉफ़ी शहर समझिए, क्या है? कॉफ़ी शहर। ये भैया कॉफ़ी हमने लिखा है ना, ये भी उत्पादन निर्यात। ठीक है, कॉफ़ी शहर साओ पोलो है।
और साओ पोलो है थोड़ा सा जमीन में, मतलब इसकी सीमा किससे नहीं लग रही है, समुद्र से। तो यहाँ सेंटोस है एक शहर, क्या है बंदरगाह, ये सेंटोस तक ऐसे ट्रेन चलती है, कहाँ से साओ पोलो से सेंटोस ट्रेन पहुँचती है, कॉफ़ी पहुँचाती है, कॉफ़ी पूरे वर्ल्ड में निर्यात होती है, समझ रहे हो। तो इसीलिए सेंटोस को क्या कॉफ़ी बंदरगाह कहते हैं, कभी कभी आते हैं कॉफ़ी बंदरगाह कौन सा है सेंटोस, समझ रहे हो क्यों है, समझ रहे हैं कि यहाँ पे कॉफ़ी उत्पादन हुआ खूब ब्राज़ील में, ब्राज़ील में साओ पोलो खासकर उत्पादन कर रहा है, साओ पोलो से कॉफ़ी कहाँ पहुँच रही है सेंटोस, सेंटोस जो समुद्र के किनारे है वहीं से सब जगह क्या होता है एक्सपोर्ट हो रहा है। तो हाँ ब्राज़ील में ही है बंदरगाह है ब्राज़ील का साओ पोलो, ये हो गया साओ पोलो और ये क्या हो गया सेंटोस, ये कॉफ़ी बंदरगाह। अब जब खेती पढ़ाएंगे तो कॉफ़ी की पूरी चर्चा होगी, क्या टेम्परेचर चाहिए, कितने प्रकार की है, सब अपना अपना टॉपिक होता है ना ये। हाँ अब यहाँ पर क्या ब्राज़ील का हो गया, ब्राज़ील का जो क्षेत्र है वो कैंपोस घास का मैदान भी ब्राज़ील के क्षेत्र में देखने को मिलता है, किसका कैंपोस का। और दूसरी बात है ब्राज़ील जो है ब्राज़ील के साथ, एक सेकेंड, यहीं पर हमने क्या बताया ब्राज़ीलियन उच्च भूमि, क्या बताया था, हाँ ब्राज़ील की उच्च भूमि जो है, उच्च भूमि ये भैया क्या है खनिज की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट, क्या है खनिज की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ठीक है ठीक। तो अब थोड़ा सा चिली पे आ जाएं, चिली भैया चिली पे आ जाइए, चिली में कौन सा मरुस्थल था, यहाँ पे कौन सा मरुस्थल फैला था चिली और पेरू में, खासकर चिली में ही अटाकामा मरुस्थल, अटाकामा मरुस्थल। और अटाकामा मरुस्थल से, एक सेकेंड, अटाकामा मरुस्थल लगभग किस रेखा पे है, मकर रेखा साइड में, भैया ये यहाँ चिली से मेन कौन सी रेखा आती थी मकर रेखा, समझिएगा। इसी मरुस्थल क्षेत्र में कौन सा बहुत तांबा पाया जाता है, कौन सा तांबा बहुत पाया जाता है, तांबा मिलता है, मतलब चिली का जो अटाकामा मरुस्थल है चिली देश में भी कह सकते हो, तांबा सबसे ज़्यादा मिलता है चिली में। एक किसका शहर है चिक्विकमाटा, क्या नाम है उसको, तांबा राजधानी कहा जाता है, जैसे चिहुआ हुआ था उसको चांदी राजधानी कहा गया था मैक्सिको का, ऐसे चिक्विकमाटा कौन है, हाँ चिक्विकमाटा ये कहाँ पर है चिली का, ये चिली का ये चिक्विकमाटा शहर जो है यहाँ पे लिखा है चिक्विकमाटा शहर, ये क्या भैया कौन सी राजधानी, तांबा राजधानी, तांबा राजधानी का आता है चिली का है, ठीक है भैया। तो हम लोग जो है इसको देख लिए और ब्राज़ील के पूरी स्थिति को देखें, अब इसमें हम लोग थोड़ा सा कॉफ़ी वाला चर्चा कर लिए, चिली का कर लिए, अब इसमें हम लोगों का क्या बच रहा है नदियों का, थोड़ा सा दो तीन नदियों, ज़्यादा नहीं नदियों का है, हाँ इसमें इतना था ही नहीं पढ़ने को जो था हमने क्लियर कर लिया। अब यहाँ पर देखिए कहाँ से निकलती है अमेजन नदी, समझिए ये क्या है रॉकी एंडीज, कौन सी पर्वत श्रेणी है एंडीज, रॉकीज उत्तर अमेरिका में चले गए, ठीक इसमें कौन है एंडीज, एंडीज पर्वत श्रेणी समझिए, एंडीज से कहाँ कौन नदी निकल रही है अमेजन नदी, हाँ ये भैया एंडीज पर्वत श्रेणी है, कौन सी नदी से निकलती है अमेजन नदी, कौन सी नदी निकल रही है अमेजन नदी, ध्यान दीजिएगा एक सेकेंड, अमेजन नदी निकल रही है कहाँ पर गिरती है भैया ये अटलांटिक, हाँ अटलांटिक महासागर है, तो हिस्सा देखा जाए मेन देखो कैरेबियन ऊपर पड़ता है यहाँ पे गिर रही है, तो कहाँ पे गिर रही है अटलांटिक, देखिए ये मुहाना है यही सब मुहाना है, ऐसे फटते हैं यहाँ, ठीक है। तो और क्या आ गया अमेजन नदी निकलती कहाँ कहाँ से, ये भी क्वेश्चन आता है अमेजन नदी किन दो देशों को, दो ही बोल ही दिया अब हमने, दो देशों से निकलती है, एक कौन पराग्वे, ठीक है देखिए, ठीक है देखिए जो है ये जो एंडीज है ये कहाँ से निकल रही है ब्राज़ील, ये ऐसे निकलती है, ठीक है समझ रहे हो, ये कहाँ पे गिर रही है ये अटलांटिक में गिरती है, कहाँ पे गिर रही है अटलांटिक में, किन शहरों से मतलब किन देशों से निकलती है, कौन सा पड़ा पेरू, कौन पड़ा पराग्वे ने पेरू, पेरू पड़ रहा है सबसे लास्ट में इधर, पेरू और कौन ब्राज़ील, दो देशों से निकल रही है नदी, कौन सी अमेजन नदी, और विश्व की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है विश्व की सबसे बड़ी नदी, हाँ अभी बता रहा हूँ विश्व की सबसे बड़ी नदी,
और विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है, विश्व की दूसरी, पहली कौन हो गई नील, हाँ तो दूसरी सबसे लंबी नदी, लंबी नदी। ठीक, अब सुनिएगा ध्यान से, जो है विश्व की सबसे बड़ी नदी, बड़ी का मतलब क्या, उसका अपवाह क्षेत्र बहुत है, मतलब ये तितिर बितिर खूब फैली हुई है, जैसे सीधे नहीं गई है, खूब फैली है, कई कई धाराएं ऐसे ऐसे तो खूब फैला पानी है इसका, कहने का मतलब क्या है, ये एकदम सीधी नहीं चल रही है, खूब फैलाव है, कटती है, फटती है इधर उधर, फिर सीधी हो जाती है, तो इसका पानी का क्षेत्र है वो बहुत ज़्यादा है, जो पानी जिसका ज़्यादा होगा उसको बड़ी कहेंगे, और जो लंबाई डिस्टेंस तय करती है उसको लंबी कह रहे हैं। ठीक है, पानी अमेजन में ज़्यादा है, किससे, नील से। अब सुनिए भैया एक सेकेंड, इसी के किनारे क्या, ये यहाँ पर क्या होती है, बहुत वर्षा हो रही है, क्या हो रही है, वर्षा, इसके क्यों, क्योंकि जो अमेजन नदी है कहाँ कहाँ पड़ रही है देखा जाए, मेन ये कर्क रेखा, विषुवत रेखा और क्या मकर रेखा के बीच में क्षेत्र आ रहा है, तो कॉमन सी बात है घनघोर बारिश वाला क्षेत्र ले रही है, तो यहाँ पर ज़्यादा बारिश होगी, कौन सी जलवायु पाई जाएगी, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन वाली जलवायु। ठीक है, तो यहाँ पर वन भी कौन पाए जाएंगे, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन भी पाए जाएंगे, समझ रहे हो कि नहीं, यहाँ पर कौन सा मतलब वन पाए जाएंगे, उष्णकटिबंधीय, हाँ उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, सदाबहार ये समझिए क्या है, ये भैया पूर्वी तट तो इधर से निकल रही पश्चिमी है। ठीक, तो पहली बात इसमें बारिश ना पूर्वी तट से ना पश्चिमी की बात है, क्यों, क्योंकि यहाँ एक सेकेंड देखिए, इसमें इतना लोकेशन पे पूर्वी पश्चिमी का इतना इसमें मैटर नहीं करता, क्यों, क्योंकि इसमें मैटर क्या कर रहा है, इसकी लोकेशन इतनी तगड़ी है ना, मतलब ये पूरा कहाँ पर है, जो भूमध्य रेखा पे देश है ना उनमें कोई भी आपको पर्वत वर्वत मिले या ना मिले वहाँ ऑटोमेटिक क्या होगी, बारिश, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर ऑलरेडी क्या रहेगा, बहुत ज़्यादा रहेगा, और क्या आर्द्रता आपको काफ़ी समुद्र से क्या रहेगी, आसमान में मिलती रहेगी, तो कॉमन बारिश के आसार वहाँ पता रहा, दिन में 200 सेंटीमीटर से ऊपर बारिश होती ही रहती है, तो वहाँ कैसे बन पाए जाते हैं, वनों की हाइट क्या होती है, काफ़ी ऊँची होती है। ठीक है, झाड़ी झूड़ी भी होती हैं लेकिन मजबूत वन भी पाए जाते हैं, जिनकी काष्ठ लकड़ी क्या हो, मजबूत हो। ठीक है, अमेजन में ऐसा नहीं कि झाड़ी झूड़ी सब हैं, वहाँ मजबूत वन भी पाए जाते हैं, और ये वन खास कर क्या होते हैं, लंबे बहुत होते हैं, क्यों, सूर्य की प्रकाश पाने के चक्कर में होड़ रहती है, समझ रहे, सूर्य का प्रकाश हम पा जाएँ कितना सघन मामला रहता है, तो क्या बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, तो कभी कभी विशेषता आती है कि ये जो कहाँ के वन जो हैं ऊँचे काफ़ी पाए जाते हैं, सूर्य के प्रकाश की रोशनी मिलने के लिए उनकी जो है ऊंचाइयां काफ़ी अधिक होती हैं, किस प्रकार के वनों में, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन, ठीक है, जहाँ पर हर टाइम बारिश होगी। ठीक, तो ये अटाका मरुस्थल हो गया, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन। अब भैया यहाँ पे वर्षा वन वाले कौन थे, आबनूस है, चंदन है, और कौन है, ये सब रबड़ है, ये सब क्या पाया जा रहा है, ज़्यादा सदाबहार, मान लीजिए आ जाता है तो आप ऐसे टिक लगा सकते हैं। ठीक, ब्राज़ील में कौन सी वनस्पतियाँ हैं, सपोज दैट, तो आप लॉजिक लगा के जो भारत में हो रही उधर साइड में वही यहाँ भी, और हाँ जैव विविधता भी बहुत पाई जाती है कहाँ पर, यहाँ पर। तो आपका जो है अमेजन वाला पूरा, एक सेकेंड, अमेजन में एक नीचे से नदी आती है, बस खत्म हो रहा है, बस दो मिनट रुकना है ब्राज़ील, आज खत्म है दक्षिण अमेरिका, ये नीचे से एक नदी निकलती है, कौन सी नदी है, मेडिरा, फेमस नदी, कौन सी है, मेडिरा नदी, और ये भैया निकलती क्या है, इसकी कोई एक लोकेशन नहीं, समझ लीजिए कि यहाँ पर कौन सी है, ये माटो ग्रासो का क्षेत्र है, वही क्षेत्र से निकल रही है। ठीक, क्या ये माटो ग्रासो का, हमने शुरू में क्या लिखाया था, माटो ग्रासो का पठार क्षेत्र, तो यहाँ से एक नदी आती है मेडिरा, लेकिन इसकी विशेषता पूछी जाती है, क्या है, विश्व की सबसे लंबी सहायक नदी, क्या है ये पूछा जाता है, मतलब सहायक नदियाँ बहुत सारी होती हैं लेकिन इससे बड़ी अभी तक कोई सहायक नदी दुनिया में नहीं बनी है, तो पूछा, लिखिए इसका क्वेश्चन, जहाँ से जो चीज़ होती है, विश्व की सबसे लंबी सहायक नदी, ठीक है, हाँ मेडिरा, और इसी के ऊपर से कौन सी नदी निकल रही है, निग्रो नदी, इसमें कोई खास बात नहीं है, जैसे मान लीजिए निग्रो नदी किसकी सहायक नदी है, अमेजन की। ठीक, तो तुम लोगों का लगभग जो है दक्षिण अमेरिका का एक सिस्टमैटिक तरीके से मेन मेन चीज़ें हो गई। अब हम लोग क्या अगले में क्या देखेंगे, एशिया देखेंगे, यूरोप देखेंगे और ऑस्ट्रेलिया, इन सबको देखेंगे, फिर क्या करेंगे आपस में मिक्स करेंगे, और क्या फिर द्वीप पे बात होगी, आइलैंड्स जो हैं। ठीक, तो इसको चाहे ऑफ कर दीजिए।
क्वेश्चन है,